काफ़ी अच्छी मूवी है। इसे किसी धर्म और आस्था को, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, किसी चीज़ से जुड़ी नहीं गई, एक सेक्स एजुकेशन के बारे में जो लोगों को पता रहनी चाहिए वो दिखाएगी। अक्षय कुमार का काफ़ी डिफरेंट लुक, शंकर भगवान के जो किरदार में वो दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है बड़े पर्दे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार ने इससे पहले भी ओ माय गॉड में लाइक कृष्ण का अवतार किया हुआ था, बट इसमें उन्होंने एक काफ़ी अलग ही रूप दिखाया हुआ है और काफ़ी फिट उस कैरेक्टर को सूट करते वो। पंकज त्रिपाठी तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, मतलब कि अगर उनको ये बात की जाए तो मेरे हिसाब से अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में अगर उनको देखा जाए तो वो टॉप पे हैं एक्टिंग के मामले में। यामी जी की स्क्रीन टाइम कितनी मिली और एज ए कलाकार यामी जी कैसे लगे? यामी जी की स्क्रीन टाइम काफ़ी अच्छी थी, अगर यामी जी की बात करूँ तो वो एक्टिंग उतनी अच्छी थी, बट अगर देखा जाए तो पंकज त्रिपाठी ने उनको काफ़ी आगे ओवरलैप कर लिया। OMG 2 OMG बिल्कुल अलग फिल्म थी, कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म थी, हिंदू धर्म के लिए अलग फिल्म थी, लेकिन ओ माई गॉड 2 जो है वो फिल्म बहुत अलग है। आप उसे बिल्कुल हिंदू धर्म से रिलेट ना करें, नो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म नहीं है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की है जो हम सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज आपको, मुझे, हर किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता नहीं होता है, हम कुछ भी करते रहते हैं, ऐसे ही एड्स नहीं फैल रहा है, ऐसे ही बच्चियाँ प्रेगनेंट नहीं हो रही है, ऐसे ही लोग डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, है ना। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, गुड टच बैड टच क्या होता है एक छोटी बच्ची को पता होना चाहिए, तभी वो बता पाएगी ना अपने पेरेंट्स को कि यार ये सही है ये गलत है मेरे लिए। उन्हें पता ही नहीं होगा तो कैसे, क्योंकि हम पेरेंट्स से बात करेंगे नहीं, स्कूल हमें सिखाएगा नहीं, तो ये फिल्म हमें सिखा रही है तो सीख लेते ना क्या गलत कर रही है यार। कोई आपके धर्म को तो नहीं बोल रही है, कोई आपको तो नहीं बोल रही है, आप इंसान हो, आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं इंसान हूँ, मेरा लिंग मेल है तो मुझे पता है, बचपन में हमें उसी से बताया जाता है ना कि ये मेल है ये फीमेल है, तो सही है, उसमें गलत क्या है यार, हम आज की बात कर रहे हैं। कैसी लगी? बहुत ही मतलब बढ़िया मूवी लगी मेरे को ओ माय गॉड 2। अगर मैं 1 से कंपेयर करूँ, 2 ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को 1 से, अगर मैं कंपेयर करूँ उस चीज़ को। इसमें काफ़ी डिफरेंट दिखाया, रिलीजन्स को हट के दिखाया, सेक्स एजुकेशन के बारे में। यार राइट, आप अगर बताना चाहो ओ माय गॉड 2 में फर्क क्या लगा? मतलब पहली जो मूवी थी 1, उसमें मतलब रिलीजन के बारे में बता रखा है, मतलब तो वो एक मुद्दा हो गया, इसमें मतलब वो मुद्दा कवर नहीं कर रहा, इसमें आपको मतलब ज्ञान दे रहे हैं जिसके बारे में बता रहे हैं आपको, तो वो चीज़ बढ़िया लगी मेरे को वो चीज़ से। मेरे को बेस्ट लगे मतलब लीजेंड पंकज त्रिपाठी जी बेस्ट लगे, देन अगर बात करें तो यामी गौतम जी हो गई, देन लास्ट में अक्षय कुमार जी हो गए, बिकॉज ये मूवी पंकज त्रिपाठी यामी गौतम की है, आर्टिस्ट की मूवी है, ये स्टार की मूवी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अक्षय कुमार जी स्टार हो गए, मूवी आर्टिस्ट की मूवी है, मतलब मूवी चल रही है उनकी वजह से, पंकज जी यामी गौतम जी। सर OMG 2 मुझे बहुत अच्छी लगी, अक्षय कुमार को देख के यार ब्रिलियंट ऐसा लगा, भोले बाबा सामने आ गए, और उनका जो लुक उन्होंने कैरी किया ना जबरदस्त कैरी किया। ओ माय गॉड 1 में कृष्ण भगवान और इसमें शंकर जी, जिस तरह गेटअप आता है उनका, आप अगर बताना चाहोगे बड़े पर्दे पे कैसा लग रहा है? देखो भोले बाबा से कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं, वो तो मैं पार्ट ऑफ द जोक था, बट भोले बाबा का लुक जो उसने कैरी किया अक्षय पाजी ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। यामी गौतम का काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जितनी मैंने पहले भी फिल्में देखी है, वीकेंड ऑनर, काबिल, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी लगी मुझे जी। ओ माई गॉड 2 मूवी जो है, जैसा कि मैंने 1 भी देखी है, तो 1 के कंपैरिजन इसको कहूँ तो काफ़ी अच्छी इसमें एक्टिंग भी है और स्टोरीज भी बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें एक जो मैसेज देने की जो ज़रूरत थी, आजकल जो जो यंग जनरेशन है या समाज है जो इन चीज़ों से अनअवेयर है, उनको इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जो भगवान के बारे में या बिलीव उनका कमज़ोर हो गया है, श्रद्धा कम हो गई है, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरह से चीज़ें डील करनी चाहिए, परिस्थितियों से कैसे डील करना चाहिए, वो चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर लोग पॉजिटिव माइंड थॉट लेके इस फिल्म को देखेंगे। अक्षय कुमार की अगर हम बात करें, वो रोमांस भी कर चुके, एक ऐसा सोशल मैसेज भी देते, बट ये सारी जो चीज़ आती है, OMG हो गई, पैडमैन हो गई, एक अलग ही कलाकार नजर आते हैं। OMG 2 की मैं बात करूँ, जो गेटअप उन्होंने लिया है शंकर भगवान का, दिल से काफ़ी छूने जैसा गेटअप है, आप अगर बता बड़े पर्दे पर वो गेटअप कैसा होगा? बड़े पर्दे पर तो वो गेटअप देखिए, अक्षय कुमार पहले सीरियस एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, कॉमेडी में उनको आ गया, कॉमेडी में उनका जोनर बहुत नेचुरल आता है, तो कॉमेडी में पसंद किए जाते हैं, नो डाउट, मैं तो मोस्ट अपने फेवरेट है कॉमेडी के मामले में, वो सीरियस एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और कभी कभी मैं सोचता था कि अगर कोई श्री कृष्ण पर कोई फिल्म बनेगी या भगवान पर कोई फिल्म बनेगी तो उसमें गॉड के कैरेक्टर में कोई जाएगा, तो आई थिंक नैनक्स वाइज भी और जो इमोशन, जो हाइट वाइट पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग पूरा, तो अक्षय पाजी ही जाते थे और वो इस फिल्म में देखने को मिला है। OMG 1 में कृष्ण भगवान और OMG 2 में शंकर भगवान, कौन सा गेटअप उन पे ज़्यादा सूट कर रहा था? कृष्ण भगवान भी उन पे काफ़ी अच्छा लगा था, जब वो बांसुरी बजाते हैं उस फिल्म में, और इसमें भी इन्होंने काफ़ी, जैसा कि आजकल
भगवान देखा नहीं है किसी ने, लेकिन भगवान की लोग इमेज ऐसे बनाते हैं कि सिक्स पैक्स एब्स बॉडी वगैरह ये, और बड़े बड़े बाल, जटाओ जैसा रूप उनका, सर स्विमिंग पूल में वो जब निकलते हैं, उस दिन बड़ा ही एपिक लगा। और काफ़ी आज की जनरेशन को उसके थ्रू ही जैसे जैसा वो चाहती है, जिस तरह से उनको मैसेज मिलना चाहिए, जो रास्ता जो पसंद करती है उसी रास्ते से उनको एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। दो और कलाकार हैं, पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी तो अरुण जी हम सभी के फेवरेट, इन तीन कलाकार के बारे में, इन सब में से तो मैं तो देखो यामी गौतम भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। यामी गौतम भी एक कई अच्छे सोलो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, वो उनकी एक्टिंग में वो देखने को मिलता है क्योंकि वो सेल्फ मेड है वो भी। और पंकज त्रिपाठी भी एक लंबे संघर्ष के बाद जब उन्होंने अपने काम के इस तरह से किया है तो वो भी एक सेल्फ मेड इंसान है, उन्हें पता है कि कहाँ पर कितना क्या काम किस तरह से करना चाहिए। कि अगर मेरे उन्होंने उन्हें सीखा है कि कम काम में भी मैं ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे डाल सकता हूँ, तो वो उनका दिखता है, वो एक्सपीरियंस वो काम उनकी परफॉर्म में दिखता है। और हम सभी के फेवरेट अरुण जी, जय श्री राम के किरदार में हम आंखें बंद करते तो उनका ही चेहरा नजर आता है। जी जी जी, अभी आपके मित्र भी कह रहे थे, आप अगर बताना चाहोगे अरुण जी का किरदार कैसा लगा, एंड काफ़ी यादें ताज़ा हो गई रहेगी। जी जी, काफ़ी वो तो ऑब्वियसली हम 90s किड्स हैं, हम लोग उन इमोशंस के साथ बड़े हुए हैं, इवन आप भी उन इमोशंस के साथ बड़े हुए हैं, तो हम उन चीज़ों को भूलते नहीं हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके देखते हैं। और वो चीज़ें जब हमें देखने को मिल जाती है तो वो चीज़ हमारे लिए इनफ हो जाती है कि हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। एज एन ऑडियंस OMG3 इस तरह के मैसेज के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ें बनती रहनी चाहिए, बिकॉज जैसी जनरेशन चेंज हो रही है, उनका माइंड थॉट चेंज हो रहा है चीज़ों को लेके, जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा प्रेम भाव जो आज से 20 साल पहले था बच्चों में, वह चेंज हो गया है, तो उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है कि वो उनका नज़रिया उसी तरीके से अगर उन्हें जवाब मिल जाए, सीखने को मिल जाए, तो ज़्यादा पावरफुल रहता है। वो इस फिल्म में देखने को मिला। 5 में से 5 ऐसे कंटेंट अच्छे होते हैं। या थैंक यू।